वेलकम टू लेक्चर नंबर 24 ऑफ जनरल एप्टीट्यूड सीरीज़, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और हम लेक्चर 24 में पढ़ेंगे एनालिटिकल फिगर्स के बारे में, जिसके अंदर मॉड्यूल नंबर 1 कहता है काउंटिंग नंबर ऑफ स्क्वायर्स। किसी भी फिगर में या बड़ा सा क्यूबॉइड होगा, क्यूब होगा, उसके अंदर काउंटिंग नंबर ऑफ स्क्वायर्स, हमें स्क्वायर काउंट करने हैं। किसी स्क्वायर के अंदर ही सब यूनिट्स कितनी होंगी स्क्वायर की, लाइक लाइक ये हमको स्क्वायर गिवन है और इसके अंदर ऐसे 1 2, अज्यूम एवरी बॉक्स इज अ इज सेम, अज्यूम एवरी बॉक्स इज सेम, क्योंकि मैंने हैंड से ड्रॉ किया है तो उस हिसाब से आप मैनेज करेंगे। एवरी बॉक्स सेम, अब आपको बताना है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे। सो कुछ लोग का आंसर होगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 1, एक जो ये बिग स्क्वायर है, बिग स्क्वायर है प्लस 1 प्लस, अभी इसमें और भी स्क्वायर बचे हुए हैं तो उनको हम ढूंढ के निकालते हैं। एक स्क्वायर आपका जो होगा वो ये होगा, ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ये स्क्वायर, ओके, ये भी अपने आप में स्क्वायर है। एंड एक स्क्वायर जो होगा तो वो ऐसा होगा, ये छोटे बड़े होगा या उससे मतलब नहीं है, आप प्रॉपर फिगर अगर आप स्केल से ड्रॉ करते हैं तो आपको मिलेंगे। ये दो स्क्वायर हो गए लाइक दिस, एक स्क्वायर आपका ये हो गया, इनको आप जोड़ दो, ओके। और ये जो बचा हुआ हिस्सा दिख रहा है, ऑब्वियसली बात है आपका फोर्थ स्क्वायर हो गया, ये और इनको आप जोड़ दो, ये आपके 4 स्क्वायर निकल के आए। सो टोटल 9 + 1 + 4 इज 14 स्क्वायर्स आर देयर इन दिस बिग स्क्वायर, जो बड़ा सा स्क्वायर है जिसके अंदर 3 × 3 यूनिट से मिलके बना है, 1 1 1 1 1 1 यूनिट्स मतलब इतना। सो ईच स्क्वायर आपका ये छोटा वाला 1 × 1 का है और ये टोटल आपका 3 × 3 का स्क्वायर है बड़ा वाला, तो टोटल 14 स्क्वायर इसके अंदर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, लाइक आपको एक ऐसा स्क्वायर गिवन है, सो इसके अंदर हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं, मतलब एक फिगर गिवन है, ये कंप्लीटली स्क्वायर नहीं है बट मतलब इसको अज्यूम करिए कि ये जो ईच यूनिट है वो सिमेट्रिकल है। सो ये 3 × 4 का एक फिगर है, 3 × 4 का एक फिगर है। सो अब ये 1 1 सिमेट्रिकल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 स्क्वायर्स तो ये हुए प्लस, अब इसमें और क्या हो सकता है, ये जो इतना बनेगा ये ऐसा एक स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा ही 2 स्क्वायर ऊपर हो गए और ऐसे ही ये इतना ऐसे नीचे, तो 4 स्क्वायर तो ये निकल के आए, लाइक एक स्क्वायर ये निकला मिडिल में, फिर एक ये कॉर्नर का यूज़ करके, ऐसे ही ये लास्ट के 2 का यूज़ करके, सो 3 स्क्वायर तो ऐसे ऊपर हो गए, ऐसे ही 3 स्क्वायर नीचे हो गए, ओके, तो ये 6 निकले, 4 नहीं 6 स्क्वायर्स निकले टोटल, 6 स्क्वायर्स, तो 12 + 6 = 18। अब उसके बाद और कौन सा स्क्वायर निकल सकता है, सो स्क्वायर मींस कि साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब जो आपने यूज़ किया है, मतलब इंडिविजुअल आपने ऐसे 4 को यूज़ करके बना लिया, ये 4 ऐसे, ये 1 2 3 4 ऐसे यूज करके 6 बना लिए। अब आपका बड़ा स्क्वायर तो बन नहीं सकता, आपका 3 × 3 का एक सबसे बड़ा बन सकता है, मतलब इसमें आपको कैसा भी दिख रहा हो बट वो स्क्वायर ही होगा। देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बड़ी ट्रिक क्या है कि आप जो आपको साइड गिवन है उसमें सबसे छोटी वाली निकालो, तो 3 अगर 3 है तो इसके अंदर से तो 3 निकल ही आएगा, सो 3 × 3 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी आपका एक स्क्वायर ही होगा, मतलब देखने में नहीं लग रहा है बट ये भी स्क्वायर होगा, साइड्स आपको गिवन है 1 1 1, सो एक स्क्वायर ये हो गया। ऐसी जब ये है तो आप ये इस वाले कॉलम को छोड़ दो, इस कॉलम को ले लो, तो ये आखिरी के 3 मतलब ये 2 हो गए, 1 + 1, या मैं इसको सिर्फ 2 लिखूँ, सो 2 स्क्वायर्स यहाँ से और निकले, 2 स्क्वायर्स यहाँ से निकले। अब कोई पॉसिबिलिटी है
हमने 1 क्रॉस 1 के स्क्वायर बना लिए, 2 क्रॉस 2 के स्क्वायर बना लिए, 6 बन सकते हैं, 3 क्रॉस 3 के हमारे 2 बन सकते हैं, तो इतने टोटल हो गए। सो 20 स्क्वायर्स हमारे यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ से हमको एक ट्रिक निकल के आ रही है कि हम पॉसिबल देखें कि 1 क्रॉस 1 के मैक्सिमम कितने स्क्वायर बन सकते हैं, वो कोई हमसे मिस ना हो। फिर 2 क्रॉस 2, भाई स्क्वायर तो सेम साइड के होंगे ना, फिर 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 का आपका पॉसिबल नहीं है। ऐसे पिछला एग्जाम्पल देखते हैं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो मेन फिगर है ये खुद में एक स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, खुद में एक स्क्वायर है। सो अगर आप इसको ऐसे लिख दें, 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, ये क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। दिस इज 3 क्रॉस 3 × 9, 2 क्रॉस 2 इज 4 और 1 क्रॉस 1 इज 1। तो ये आपका किसके संग था? ये आपका टोटली 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर था। तो अब आप क्या करेंगे, यही चीज आप लगाएंगे चेस बोर्ड के लिए। अगर आपको दिया गया है चेस बोर्ड, मान लीजिए चेस बोर्ड है, ये चेस बोर्ड 8 क्रॉस 8 का होता है, सबको पता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे? सो इसको निकालने के लिए वही चीज, 8 क्रॉस 8 प्लस 7 क्रॉस 7, 7 × 7 बोल लो, मतलब 7 स्क्वायर ये 7 वाले होंगे, 6 × 6, ऐसे 5 × 5 अप टू 1 × 1, और ये नंबर आपका आता है 204 स्क्वायर। तो ये आप याद रखेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए चेस बोर्ड के अंदर, सॉरी चेस बोर्ड के अंदर टोटल आपके 204 स्क्वायर्स होते हैं। तो ये आपने एक ट्रिक निकाली। ओके, तो बेसिक स्क्वायर या फिर कोई ऐसा फिगर जो कि स्क्वायर, कंप्लीट फिगर स्क्वायर नहीं है बट उसको उसके अंदर स्क्वायर है, आपको यूनिट दे दी गई है, या उसके अंदर जो छोटे स्क्वायर बनाए गए हैं वो 1 क्रॉस 1 के हैं, सबसे छोटे स्क्वायर। तो फिर आप ये लगाएंगे जो मतलब पीछे देखा ही था कि आप सबसे छोटे स्क्वायर कितने होंगे, यहाँ 12 हैं, फिर 2 क्रॉस 2 के 6 हैं, 3 क्रॉस 3 के 2 स्क्वायर हैं। ओके, तो आप वो निकालेंगे। 4 क्रॉस 4 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 क्रॉस 4 ही लार्जेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइक आपको क्वेश्चन 3 है, जो भी नंबर हो सकता है। लाइक आपको एक स्क्वायर गिवन है इस शेप में, एक फिगर गिवन है इस शेप में, अब आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बताने हैं। तो सबसे पहले आप पूछेंगे इनकी डायमेंशंस, बहुत ही सही क्वेश्चन, डायमेंशन तो देनी पड़ेगी। ये 1 क्रॉस 1 के हैं, ये 3 क्रॉस 3 है। सो 3 क्रॉस 3 का मतलब है कि इसके अंदर आपके ऐसे, मतलब 3 पार्टीशन ऐसे बने और 3 पार्टीशन ऐसे बनेंगे। अब इसका आपको पता है नंबर, इसका आपको ना पता है कि टोटल 14 है। अब आप बस ये 4 और जोड़ दो तो टोटल कितना हो जाएगा, 18। तो अगर आपको कुछ ऐसी मिक्स्ड फॉर्म में फिगर दिखेगा तो आप जो मेन स्क्वायर है उसके अंदर के स्क्वायर्स निकाल लीजिए और उसके बाद एक्स्ट्रा वाले स्क्वायर्स उसमें जोड़ दीजिए। और फिर इसमें डायमेंशन से मतलब नहीं है, मेन बस ये है कि ये स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये 2 क्रॉस 2 का भी होता, मैं कहूँ कि ये 2 क्रॉस 2 का भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो ये एक स्क्वायर ही हमें न, कि ये क्या है, ये है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स ही तो बताने हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल लेते हैं हम, जो कि हमारा क्या रहा है, मॉड्यूल 2, काउंटिंग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। एक रेक्टेंगल के होने की डेफिनेशन क्या है, ये अज्यूम करिए स्ट्रेट लाइन्स है, तो आपकी जो लाइन्स है वो 90 डिग्री के एंगल के बीच में होनी चाहिए। और एक जो रेक्टेंगल होता है उसके अंदर 2 कंडीशन होती है, वन रेक्टेंगल उसके अंदर 2 कंडीशन क्या होती हैं, वो कंडीशन होती हैं 2 वर्टिकल लाइन्स प्रेजेंट होनी चाहिए, लाइक दिस, ये वर्टिकल लाइन्स है, एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स। मतलब हर स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, हर स्क्वायर को आप रेक्टेंगल कह सकते हैं पर इसी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। ओके, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन्स। सो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हो गई, ये वर्टिकल लाइन्स हो गई, इनके बीच में जो आपका एक फिगर निकल के आया है, ये इतना फिगर निकल के आया है, ये आपका एक रेक्टेंगल है। ओके, ये नेसेसरी कंडीशन हुई रेक्टेंगल की। अभी सबको हटाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाने वाला है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा इससे। आपको अगर एक फिगर दे दिया जाए कुछ इस तरीके का, उसमें 3 पार्टीशन डाल दें हम, अगर ये 3 पार्टीशन डाल दिए, सो ये आपको 2 क्रॉस 4 का फिगर गिवन है। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब अगर आप काउंट करेंगे, काउंट करना चाहे तो काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका एक रेक्टेंगल है, ऐसे ये आपका एक है, ये आपका
इतना पूरा, ये पूरा एक है। तो ऐसे आप काउंट करते रह जाएंगे। स्क्वायर काउंट करना तब भी इजी है, उसमें रेस्ट्रिक्शन है कि स्क्वायर सिर्फ 1 क्रॉस 1 का होगा, या 2 क्रॉस 2 का होगा, या 3 क्रॉस 3 का होगा। यह फॉर्मूला है 3 क्रॉस 3 प्लस 2 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 1। अगर आपका हाईएस्ट 3 क्रॉस 3, अगर 4 क्रॉस 4 है तो 4 क्रॉस 4 प्लस, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर आपको निकालने हैं तो सीधा सा फॉर्मूला आप लगाइए, C2 × C2। C2 मतलब यहाँ पे आपको डालना है कुछ, यहाँ पे क्या डालना है वो आपको पता होना चाहिए। अब बेसिकली NC2 जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी देखेंगे, तो जब उसको पढ़ेंगे तब देखेंगे। फॉर्मूला हम देख लेते हैं, n(n)-1/2, ये कॉम्बिनेशन का है NC2। सो आपको NC2 करना है। NC2 करना है। अब यहाँ पे क्या होगा वो हमको नहीं पता। यहाँ पे आप डालिए हॉरिजॉन्टल लाइंस, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेजेंट इन फिगर। यहाँ पे आप डालिए नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट इन फिगर। अब आप अगर ऐसे गिनेंगे वर्टिकल लाइंस, सो 1 2 3 4 5, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3। ओके, सो 5 और 3, मतलब आगे पीछे कर दो, बात एक ही रहने वाली है। बस आपको इसको सॉल्व करना है। 3C2 होता है आपका 3, 5C2 होता है 10, तो टोटल 30 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यहाँ से निकलेंगे। सो बस आपको यही चीज़ करनी है, और कुछ भी नहीं करना है। इसके रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक मैं अगर ऐसा फिगर ले लूँ, बड़ा सा फिगर, मैंने फिगर ये लिया, तो इसकी ये जो लाइन के ऊपर मैंने लाइन बना दी, 1 2 3, 1 2 3 4 5। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मुझे निकालने हैं, तो वेरी इजी है। एक ये भी आप काउंट करिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7C2 × ये आपका, इनको भी काउंट करिए, 1 2 3 4 5, 5C2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 7-6/2 × 5 5-1 4/2, सो 2 2 4 गया, 35 × 6, 210 नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स यहाँ से निकलेंगे। सो अब क्लियर हो गया। ओके, दैट्स इजी। एक बार और देखते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का हमने एक फॉर्मूला बना लिया, उसके थ्रू हमने जो था ये आपका नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन C2 × नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन C2। नंबर ऑफ स्क्वायर्स का भी फॉर्मूला हमने बनाया। अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर है वो स्क्वायर ही है, जो कंबाइंड बड़ा फिगर है वो, तो 3 क्रॉस 3 × 2 क्रॉस 2 × सॉरी प्लस 1 क्रॉस 1, ऐसे आप कर लीजिए। अब जो हाइब्रिड केस आता है नंबर ऑफ स्क्वायर्स का, हाइब्रिड केस, आपको जो फिगर गिवेन है वो कंप्लीट अपने आप में स्क्वायर नहीं है, तो इसका शॉर्ट में क्या फॉर्मूला है, आप इसको लिखो प्लस इनमें आप 1 1 रिड्यूस कर दो, मतलब 2 × 3 प्लस इनमें आप 1 1 रिड्यूस कर दो, 1 × 2। अब इसमें रिड्यूस 1 तो हो जाएगा 0, इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 4 12 4 12, 2 3 6, 1 2 2, ये क्या आया, ये वही चीज़ आई, 12 6 2 20। तो इस तरीके से निकाल लो, या फिर आप 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2 1 क्रॉस 1 के काउंट करके निकाल लो, क्योंकि हमें स्क्वायर है। यहाँ पे ये काम कर सकते हैं काउंट वाला, बट बहुत बड़ा फिगर दे दिया हो आपको, मान लो कि 20 क्रॉस 6 का फिगर दे दिया है, इसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स पीछे हैं, तो आप कैसे निकालोगे। सो 20 × 6 + 19 × 5 + 18 × 4 + 17 × 3 + 16 × 2 + 15 × 1, कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। बट इतना बड़ा नहीं पूछेगा, बट ये ट्रिक जो है ये तो ये पता होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ रेक्टेंगल किसी भी तरीके फिगर में हमें मिलेंगे। चेस बोर्ड का 204 याद रखेंगे, चेस बोर्ड का नंबर। ऐसा हाइब्रिड कुछ आएगा इस तरीके का, तो पहले अंदर वाला आप निकाल लेंगे, बाहर वाले आपके 4 हैं उनको ऐड कर देंगे। काउंटिंग नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालेंगे, तो ये नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन C2 × नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन C2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जस्ट नेक्स्ट मैंने स्क्रीन डिस्प्ले कर दी।
आपको कुछ इस तरीके का फिगर है और इसमें आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने हैं। इसमें स्क्वायर निकालना तो आसान ही है क्योंकि ये जो छोटी छोटी लाइंस है, ये जो फिगर होगा इतना, ये अपने आप में कोई स्क्वायर नहीं हो सकता, ना ही ये नीचे वाला। तो ये जो ब्लू कलर की लाइंस ऐड करी है, इनसे नंबर ऑफ स्क्वायर में तो चेंज होगा नहीं। नंबर ऑफ स्क्वायर तो ये बड़ा स्क्वायर, ये चार छोटे स्क्वायर और पांच स्क्वायर हो गए, तो नंबर ऑफ स्क्वायर वाली तो कोई बात है ही नहीं। नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे वैसे भी निकल सकता है, 2 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 1, ये 2 क्रॉस 2 का है क्योंकि ये जो ब्लू लाइंस को अगर हम नेगलेक्ट करें तो ये 2 क्रॉस 2 का फिगर है, बट ये हाइब्रिड फिगर है। तो अब इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर हमें निकालने के लिए कहा जाए तो वो रेक्टेंगल्स क्या होंगे। सो हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इसको अब काउंट करते हैं कि इसमें क्या क्या निकल सकते हैं। हम क्या करें, सबसे पहले सबका अलग अलग ग्रुप कर देते हैं, मतलब ये इंडिविजुअल इतने सारे हमारे हो गए एंड ये आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रेक्टेंगल तो ये हो गए टोटल। अब इसके अलावा आपका क्या रेक्टेंगल हो सकता है, सो उसको कर लेते हैं ए बी। आप इन दोनों को मर्ज कर दो, आप ए सी को मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ए और सी को, वो कोई फिगर नहीं बनेगा। तो ए बी, फिर आप सी डी को मर्ज कर दो, ई एफ को मर्ज कर दो, जी एच को मर्ज कर दो, सो ये आपके रेक्टेंगल्स आ गए। यहाँ पे ये गलत आ गया, ये आपके कितने 4 रेक्टेंगल्स आ गए, सो 8 प्लस 4। अब और क्या हो सकता है, आपका जो पूरा फिगर ए बी सी है, ओके, आपका अगर आप इतने फिगर को बनाए, मैं अगर आपको शो करूं, सो ये और ये, अगर आप इतने फिगर को उठाते हैं तो ये भी आपका अपने आप में एक रेक्टेंगल हो गया। सो आप तीन तीन का पेयर बना सकते हैं, सो ए बी सी का पेयर बन गया लाइक दिस, बी ई एफ का पेयर बन गया, सी डी जी का पेयर बन गया, एंड एफ जी एच का पेयर बन गया, ये आपके हो गए और 4। अब इसकी ट्रिक क्या है कि आपने इंडिविजुअल लिए, उसमें से फिर दो का, जैसे हमने स्क्वायर वाले में देखा था कि 1 3 क्रॉस 3 का बनाइए, कितने बन सकते हैं पॉसिबल 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल यूनिट ले ली, ये इंडिविजुअल यूनिट अपने आप में एक सबसे छोटा रेक्टेंगल है, जो ए है या बी है कुछ भी है, वो अपने आप में सबसे छोटा रेक्टेंगल है। तो ये हमने क्या बनाया, जो सिंगल कॉम्बिनेशन है, 1 का कॉम्बिनेशन, ये 2 का कॉम्बिनेशन, ये 3 का कॉम्बिनेशन, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लाइक 4 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 4 को कंबाइन करके आपका क्या क्या बन सकता है, सो 4 को कंबाइन करके आपका ए बी सी डी बन सकता है, ये पूरा ए बी और ये सी डी, या फिर ए बी ई एफ बन सकता है, ए बी ई एफ, या आपका ई एफ जी एच बन सकता है, ये ई एफ जी एच, या आपका सी डी जी एच बन सकता है। ये आपके कितने निकल के आए, 4 पॉसिबिलिटीज निकल के आई, सो ये आपकी अभी तक 8 प्लस 4 प्लस, अच्छा ये मैं इसमें इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे ऊपर अभी और भी क्वेश्चन बनेंगे। सो 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ये आपके कितने हुए, 20। अब इसमें एक सबसे बड़ा तो हम छोड़ ही रहे हैं, जहाँ पे हम सबको ही कंबाइन कर लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये जो सबको जोड़ के एक फिगर बनेगा ये एक होगा, तो 21 हमारे टोटल रेक्टेंगल बने 21। अब अगर हम स्क्वायर गिने तो स्क्वायर हमने कितने निकाले थे, 5 स्क्वायर हमारे कितने हैं, ये 5, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल विदाउट स्क्वायर हमारे हो गए 16। ये 21 जो नंबर है, ये जो नंबर है 21, इसको याद रखेंगे, 21 को हम याद रखेंगे 21। तो इस तरीके से सारे कॉम्बिनेशन बनाए, 1 2 3 4, ये तो इंडिविजुअल है, ये जो फिगर है इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे क्योंकि ये फिगर काफी कॉमन है और ये फिगर आएगा आगे, ठीक है, ये फिगर यूज होगा। ये क्या है कि आपके ऑल्टरनेट करके यहाँ पे ऐसी लाइन खींची तो इसके आगे इसको नहीं खींचा, इसको ऐसे खींच लिया। अब इसमें और क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं वो देखते हैं। अब आपका कुछ फिगर ऐसा है जो प्रीवियस फिगर था, उस फिगर को हमने दोबारा से ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे कि एक लाइन और ऐड करेंगे, वो करेंगे यहाँ पे इस कंपार्टमेंट के बीच में, मान लो थोड़ा सा नीचे, ओके यहीं पे सपोज कर लो, इसके बीच में करेंगे। तो ये क्या किया हमने, एक कंपार्टमेंट बढ़ा दिया, ए ये जो आपका बी था ये बी 1 बी 2 में चेंज हो गया, सी डी ई एफ और जी एच।
अब कितने हमारे जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं इंक्रीज करेंगे, 21 हमारे इनिशियल है, इनिशियल 21 जो बेस फिगर है हमारा उसके, तो 21 में एक, पहले क्या था यहाँ पे, ये दो रेक्टेंगल थे, ओके ये दो रेक्टेंगल हुआ करते थे। अब हमने क्या किया कि उसमें एक लाइन और डाल दी, तो हमारा ये ऊपर वाला तो एक रेक्टेंगल होगा ही होगा, बट यहाँ पे अब ये दो अलग अलग रेक्टेंगल हो गए, तो ये एक रेक्टेंगल बढ़ गया। प्लस अगर हम दो का कॉम्बिनेशन करेंगे, तो पहले हम ए और बी का कॉम्बिनेशन करते थे, अब हम ए बी वन एंड ए बी टू का अलग अलग कॉम्बिनेशन करेंगे, प्लस बी वन बी टू का एक कॉम्बिनेशन होगा, तो हमारा एक रेक्टेंगल यहाँ पे बढ़ गया, ओके। एंड ऐसे ही करके हमारे, अगर आप इसको ऊपर से नीचे तक लेते हो, लाइक ये पूरा एरिया आप लेते हो, ये पूरा एरिया लेते हो, पहले आप लेते थे बी ई एफ का एरिया जो तीन वाला कॉम्बिनेशन होता था, अब आप बी वन बी टू ई एफ ले सकते हो या बी टू ई एफ ले सकते हो। तो इस तरीके से एक 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 करके ऐसे आपके चार रेक्टेंगल्स बढ़ जाएंगे, ऐसे आपके चार रेक्टेंगल्स बढ़ जाएंगे, सो 25 हो जाएगा। अगर आप इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ, मैं तो कहूँगा कि क्या कैसे बढ़ा, आप बस याद रखो कि आपका जो इनिशियल फिगर था, बेस फिगर था, जो आपका बेस फिगर था उसमें आपने कैसे चेंज किया है। आपका इनिशियल फिगर में ये एक ऐसा होता था, आपने एक लाइन और डाल दी अगर, तो आपका 4 बढ़ गए। अगर आप वही चीज़ करो, अगर आप किसी और में डाल दो एक लाइन, तो आपका कितना बढ़ेगा तो वो देखो। अब हमने क्या किया है कि हमने, ठीक है जो मैं एक्स्ट्रा डालूंगा उसको मैं कट दिखा दूंगा, मतलब असली में कट नहीं बट इंडिकेट करने के लिए, ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन डाली। जब मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन डाली तो 4 बढ़े हमारे, टोटल 4 बढ़े। 25 पे आके गाड़ी रुकी, एक एक्स्ट्रा लाइन और डालने पर हमारी गाड़ी रुकेगी 29 पे। अगर मैं इधर एक एक्स्ट्रा लाइन डाल दूँ, ओके इधर एक एक्स्ट्रा लाइन डाल दूँ, तो गाड़ी वहीं चली जाएगी 33 पे। और अगर मैं इधर एक एक्स्ट्रा लाइन डाल देता हूँ कहीं भी, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ओके, तो हमारी गाड़ी चली जाएगी 37 पे। तो ये जो फिगर होगा, ये जो फिगर होगा इसको मैं दिखा सकता हूँ आपको कुछ ऐसे, अगर मैंने फिगर लिया है और इसमें इक्वल दूरी पे मैंने, मतलब हर उसमें दो कंपार्टमेंट डाल दिए हैं, ऐसा 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 और ऐसा, तो इस फिगर में 37 होंगे टोटल, ओके। और इस फिगर में हमारा जब एक कंपार्टमेंट था, मतलब एक लाइन डाली थी, 21 थे, तो 21 से आपके 16 बढ़ गए, मतलब चार लाइन डाले तो मतलब 16 बढ़ गए। तो आप जितनी लाइन ऐड करोगे उतना इंटू 4 आप बढ़ाते जाओ, तो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट खत्म होता है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर एंड टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का।